इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 खत्म होने के बाद अब भारत टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी और तीनों वनडे मुकाबले इतने बजे से शुरू होगा। तो कब, कहां और कितने बजे से मुकाबला शुरू होगा पहला वनडे दोस्तों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। मगर आप भी भारतीय टीम के बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हाल ही में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 की सीरीज खेल रही थी जिसमें पहला टी20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान थे और दूसरे टी20 के मुकाबले में भारतीय टीम को 200 साउथ अफ्रीका ने हरा दिया था। और वहीं तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार तरीके से वापसी करी, 106 रनों के बड़े अंतर से हरा करके सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया। अब वहीं भारतीय टीम दोस्तों वनडे सीरीज खेलेगी और 3 मैचों की वनडे की सीरीज होने वाली है, जिसमें आपको बता दें भारतीय टीम के कैप्टन केएल राहुल को बनाया गया वनडे की सीरीज में और इसके बाद टेस्ट के मुकाबले होने जहां पर रोहित शर्मा कप्तान है और विराट कोहली की वापसी होगी। और वहीं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला वांडरर्स में खेला जाएगा। इस मुकाबले का 200 टॉस भारतीय समय अनुसार दोपहर के 1 बजे से होगा। वहीं पहली गेंद दोपहर के 1:30 बजे से फेंकी जाए और इस मुकाबले में बारिश आने की पूरी संभावना है दोस्तों इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में पहले वनडे के मुकाबले में। तो क्या भारतीय टीम टी20 की सीरीज में बराबरी करी है साउथ अफ्रीका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के साथ? अब वहीं वनडे में दोस्तों केएल राहुल को कप्तान बनाया गया है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, जो 3 मैच खेले जाएंगे। पहला वनडे मुकाबला 17 दिसंबर को और दूसरा वनडे मुकाबला 19 दिसंबर को और तीसरा वनडे मुकाबला 21 दिसंबर को खेला जाएगा इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, जो कि भारतीय समय अनुसार मैंने आपको बताया कि दोपहर के 1 बजे टॉस होगा और 1:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी वनडे मुकाबले की और इसके बाद टेस्ट मुकाबले होंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, जो कि 26 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक पहला टेस्ट मुकाबला चलेगा और दूसरा टेस्ट मुकाबला 3 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच में चलेगा। क्या वनडे के सीरीज में भारतीय टीम कब्जा कर का भी आप लोग की क्या राय है कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।